हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा दावा है दोस्तों आपसे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको आईयूपीएसी के नाम की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि आपको कम से कम ये तो याद होने ही चाहिए क्या कि 1 से 10 तक के कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि जिसमें कार्बन की संख्या होती है, क्या होती है इसमें कार्बन की संख्या होती है। अगर कार्बन 1 है तो क्या बोलते हैं, कार्बन 2 है तो क्या बोलते हैं, और कार्बन 3 है तो हम उसको क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि आईयूपीएसी में अगर हमको कार्बन पहचानना आ गया कि हमारे पास कितने कार्बन है, तो हम इतने ही कार्बनों के सामने जितना उसका नाम होता है उसका लगा के उसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक कार्बन होता है, जैसे हमारे का CH4, यानी कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा कार्बन 1 हो गया तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, और यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और त्याग सकता है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे देखिए, 1 2 3 4, ये क्या बना दिया इसने, इसका संरचना बना दिया। ओके, फिर क्या हो गया, एक कार्बन है तो इसलिए हम इसको मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। और एक बंध है इसमें, क्या है, एकल बंध है, और एकल बंध के लिए इसका सूत्र होता है कि CnH2 2n+2। जैसे देखिए, सी लिख दिया, कार्बन की संख्या 1 है तो 1 लिख दी, एच लिख दिया एच, और 2 + 1 + 2 कितना हो गया, C1H2 2 4 कितना हो गया, 4 हो गया। गुणा आएगा यहाँ क्योंकि तो 2n है, तो गुणा 2 2 + 2 4, ये क्या हो गया हमारा, मैथेन हो गया। क्या हो गया हमारा, ये मैथेन हो गया, क्योंकि मैथ है। और इसके लिए हम लगाते हैं एन, एकल बंध होता है तो लगाते हैं हम एन, द्वि बंध होता है तो लगाते हैं हम इन, और ट्रिपल बंध होता है तो हम लगाते हैं आइन। और जब हमारा एल्कोहल होता है यानी OH समूह होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, हम ऑल लगाते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नामकरण करना आ गया हमको कि क्या हो गया कि CH2 क्या बन गया, ये CH4 मैथेन बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मैथेन। क्या बोलेंगे, मैथेन। क्यों, क्योंकि इसमें एकल बंध है। इसी प्रकार देखिए, इसमें हम क्या बोलेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, इसमें 4 होती है, और इसमें क्या होगा, आपके जितने कार्बन होते हैं उसके सामने उसका नाम लिख देते हैं। जैसे देखिए, 1 के लिए हमने लगा दिया मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नौ, और 10 के लिए डेक। इधर देखिए दोस्तों कि मैथ को लगा देते हैं एन, मैथेन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मैथेन, और एथेन के लिए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 तक आपको याद करने पड़ेंगे, 5 से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 5 से 5 बोलते हैं इसलिए पेंटेन, 6 से 6 बोलते हैं इसलिए हेसेन, 7 को 7 बोलते हैं यानी कि हेप्टेन, 9 8 को ऑक्ट, 8 बोलते हैं ऑक्टेन, 9 को 9 बोलते हैं तो नॉइल, और डेकेन 10 को बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर देखिए ये क्या हो गया हमारा, नामकरण हो गया। अब इसका नामकरण कैसे देते हैं हम, देखिए अब इसमें कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। 3 पे आता है हमारा प्रोपेन, क्या आता है, प्रोपेन, प्रोप आता है, सॉरी क्या आता है, प्रोप आता है। प्लस कितना बंध लग रहा है इसमें, एकल बंध लगा हुआ है, कितना बंध लगा हुआ है, एकल बंध लगा हुआ है, तो इसका क्या आएगा, एकल बंध के लिए एन, तो एन जोड़ देते हैं और बन जाता है हमारा प्रोपेन। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि 1 2 3, 3 ही क्या है हमारे कार्बन है, इसलिए प्रोपेन, सॉरी प्रोप, एकल बंध। अब लगाते हैं हम क्या कि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन, यानी कि ये रहा बड़ी की मात्रा और अनानल।
तो क्या लगा देंगे, इन क्या बनेगा, प्रोपीन। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखिए तीसरा, कि तीसरे में क्या होता है, एक दो तीन, तीन ही क्या है हमारे, कार्बन है, तो प्रोपेन, प्रोप लगा दिया। फिर आगे कितने बॉन्ड है, तीन, तीन के लिए क्या लगाना है, आयन, और क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन बन गया। इसी प्रकार देखिए दोस्त, अगर हम इधर क्या लगा देते हैं, एक और बंद लगा देते हैं, जैसे CH3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, दो बॉन्ड हो गए, कार्बन संयोजन चार होती है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ चार हाइड्रोजन बचते हैं। और इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर हम क्या लगाते हैं, दो जोड़ देते हैं, C2, C2 और CH3, और इधर क्या जोड़ देते हैं हम, और जोड़ देते हैं जैसे CH2 में CH3। ओके बच्चों, अब देखिए क्या बनेगा इनमें, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कितने कार्बन हो गए, चार, और चार के लिए लगाते हैं हम ब्यूट, क्या लगाते हैं हम ब्यूट, तो सबसे पहले लिख देंगे अब यहां पर क्या, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। अब एक इसमें कौन सा बंद है हमारा, एकल बंद है, कौन सा बंद है, एकल बंद, क्योंकि हमारे बंद तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंद, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिए एन लगाते हैं, इनके लिए इन लगाते हैं, और इनके लिए आयन लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये लग रहे, और OH हो तो हमारा और लगता है। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें एकल बंद लगा हुआ है, कार्बन चार हो गए इसलिए ब्यूट आ गया, और एकल बंद है तो एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है, और बन जाएगा हमारा ब्यूटेन, क्या बन गया हमारा, ये ब्यूटेन बन जाता है। और इसी प्रकार देखिए इसमें, कि इसमें कितने कार्बन है हमारे, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, और पांच पे आता है हमारा प्रोप पेंट, क्या आता है हमारा, पेंट आता है, पांच पर पेंट लगा के धन लगा दिया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है हमारा, इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो हमारा इन लगेगा, यानी कि बड़ी की मात्रा पे इन आता है, तो इन लगा दिया, और क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। और इसी प्रकार देखिए इसमें, कि इसमें क्या होता है, कि CH3 और CH2 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन H। अब देखिए यहां एक कार्बन हो गया, एक बंड इसके साथ बना हुआ है, और तीन इसके साथ बना है, इसलिए एक हाइड्रोजन है, तो एक दो तीन चार, चार है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, चार के लिए ब्यूट, चार के लिए लगाते हैं हम ब्यूट, धन, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, और क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। ओके बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको भूले नहीं। देखिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि इस प्रकार के नामकरण कैसे देते हैं, इन इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला को नामकरण कैसे देते हैं IUPAC का। देखिए बच्चों, जब इस प्रकार की कोई कार्बन श्रृंखला आ जाती है, जैसे हमारी ये कार्बन श्रृंखला आ गई, इसमें क्या है कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ आठ क्या हो गए, कार्बन हो गए। अब इसको हम इसका नाम कैसे देंगे, और एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, कि इसका नामकरण हमेशा उस तरीका से किया जाता है, जिस तरीका से, यानी कि इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, इतने ध्यान रखना, जो लंबी साखी श्रृंखला होती है, जो हमारी सीधी चलती है, उसमें तो क्या लगा देंगे आप, एक दो तीन चार, उनमें तो गिनेंगे आप कार्बन की संख्या, क्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या। तो ध्यान रखना, इसमें लंबी श्रृंखला है हमारी, एक दो तीन चार पांच, तो पांच तो इसमें हमारे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, और ये क्या है हमारे, मैथ है, ये क्या है हमारे, मैथ है, और ये किस किस कार्बन पर लगे हुए हैं, जैसे हमारा क्या है, मैथेन है, यानी कि CH3, तो मैथेन, CH3 मैथेन, CH3 मैथेन। अब इसमें कैसे पता चले कि कौन से कार्बन पर मैथेन संख्या उपस्थित होती है,
तो ध्यान रखना दोस्तों कि जिस तरीका से यानी कि जिस साइड से कार्बनों की संख्या क्या होगी कम गिनाई पड़ती है, यानी कि जो हमारा जो ये संख्या लगी हुई है या ये एथिल लगा हुआ है जिस संख्या से कम लगा होगा यानी कि जिस साइड से कम आता है कार्बन पे वो ही तरफ से गिनते हैं। जैसे इधर से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 लगाने पड़ते हैं हमको, यानी कि इधर से हमारा जो लास्ट वाला एथिल है तो मैथिन यानी कि मैथिन है, इसमें किस पे आ रहा है, हमारा 4 पे आ रहा है। और इधर से लगाते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5। ओके बच्चों, अब ध्यान देखो अगर हम इधर से गिनना प्रारंभ करते हैं कार्बन को तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 पे और 3 पे आता है हमारा ये समूह। और इधर से गिनते हैं तो 1 और 2 पे आ रहा है, 1, 2 पे और 3 पे आ रहा है, तो हमको नजदीक किससे पड़ रहा है, यानी कि इधर से हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो नजदीक पड़ रहा है और इधर से गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमको लंबा पड़ रहा है। तो ध्यान रखना जिस साइड से यह नजदीक पड़ता है उसी साइड से हमको इसका नामकरण करना है, यानी कि नजदीक वाले साइड, नजदीक तरफ से। तो देखिए दोस्तों कि नजदीक तरफ से कैसे करते हैं अब इसका हम, कि 1, 2 तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले 2 क्या लिख देंगे, लिख दिया हमने यहां पे 2 लिखा। ओके बच्चों, अब ध्यान रखना 2 वाले कार्बन पर 2 एथिल लगे हुए हैं, 2 मेथेन लगे हुए हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो एक बार गिना हमने 2, 2 पे एथेन आ गया, फिर गिना दोबारा 2, 2, 2, 2, 2 क्या है हमारा, CH3 है तो यानी कि मैथ, इधर भी मैथ तो मैथिल क्या आ जाएगा, ये मैथिल है हमारा, क्या है हमारा मैथिल। और फिर देखिए दोस्तों कार्बन 3 पे क्या है, 3 पे, तो ध्यान रखना 2, 2 मैथिल, 3 क्या आएगा मैथिल यानी कि मैथेन। ओके, तो यानी मैथिन मैथिन आ रहा है, तो यहां पे लिखना और यहां पे लिखना एक ही बात है, तो सीधी सी बात लिख दो कि 2, 2, 3 मैथिल और क्या है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 पांच है, एकल बंद है तो पेंटेन। ओके, ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया, ये आपका नामकरण बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए, इसमें नामकरण करके देखते हैं, देखो बच्चों कि इधर से देते हैं 1, 2, 3, 4 तो इधर से पे आ रहा है, ये 4 पर आ रहा है, और इधर से करते हैं हम 1, 2 तो 2 पे ही आ गया। तो मैंने बताया है आपको कि जिस साइड से नजदीक होता है उसी साइड से क्या करते हैं, हम इसका नामांकन करते हैं, तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 है, पर ध्यान रखना 1, 2 तो 2 मेथिल और कितने हैं ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो पेंटेन, क्या आएगा हमारा पेंटेन। आगे ना समझ में, ओके इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बच्चों कि इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला का हम नामकरण कैसे करते हैं। अब ये हमारी श्रृंखला कैसी आ गई है, श्रृंखलाबद्ध भी आ गई है, क्या श्रृंखला है यानी सीधी श्रृंखला है, परंतु इसमें क्या लगे हुए हैं, पूर्व लग्न लगे हुए हैं। जैसे देखिए दोस्तों इसमें क्या लग रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोराइड। और Br लगा यानी कि ब्रोमाइड, तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, और इसमें Ib लगा हुआ है तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका नामकरण हम इस प्रकार करेंगे, जैसे सबसे पहले वही कि इसमें हम क्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या गिनेंगे कि कितने कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 भाई 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट आएगा हमारा, क्या आएगा पेंट आएगा। अब ध्यान देना है इसमें कि जो हमारा जो ये पूर्व लग्न लगा हुआ है ये कितने पर लगा हुआ है, इधर से समारोह 1, 2, 3 और इधर से समारोह 1, 2, 3, दोनों साइड से 3 आ रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लगाना, सबसे पहले हमको 3, अब ये क्या है हमारा क्लोरीन, इसको आप बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं 3 क्लोरो। ओके, और क्या है 5 तो
पांच लगा दिया हमने पेंट, पेंट लगा दिया, कैसे बंद है, एकल बंद है तो पेंटेल। ओके ये क्या हो गया इसका नामकरण हो गया। अब इसी प्रकार इसमें देखिए दोस्तों कि क्या होगा कि समारिये एक दो तीन चार पांच छह, छह आ गया, छह के लिए आता है हमारा हेक्सेन, क्या आता है हेक्स। ओके अब देखिए दोस्तों इसमें दो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं दो, इसको बोलते हैं आयोडो, आयोडो इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं इसको हम ब्रोमो बोलते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, अब ध्यान देखिए इधर से गिनते हैं एक दो तीन चार, चार पे आ रहा है, इधर से एक दो तीन, तीन पे आ रहा है, पर इससे पहले तो हमारा आयोडो आता है तो क्या लगाएंगे हम एक दो, तो सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पे दो, क्या लिख दिया दो। अब क्या है दो पे हमारा आयोडो, तो दो आयोडो। ओके फिर आता है हमारा तीन, तो तीन ब्रोमो। ओके अब क्या है हमारे पांच या छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह के लिए क्या लगा देंगे हेक्स, और एकल बंद है इसलिए एल लगा देते हैं, ये क्या हो गया हमारा हेक्सेन हो गया। इसी प्रकार अगर हमारा इसमें भी आ जाता है कि क्या इधर आ जाता है, मान लो आप आयोडो और क्लोरो, इधर आयोडो आप समझ लो आयोडो, तो क्या होगा थ्री क्लोरो, क्योंकि इधर तो पहले पे आ गया, तो क्या होगा पहले इसमें आएगा नाम होगा हमारा इधर की साइड से, क्यों क्योंकि इधर कौन से पे आ रहा पहले पे, तो वन क्लोरो वन आयोडो आयोडो, और कितने पे तीन पे थ्री क्लोरो, और क्या हो गया एक दो तीन चार पांच, तो पांच के लिए पेंट, एकल बंद है तो एन लगा दिया। ओके इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं नामकरण कर सकते हैं जितने भी हमारे आईयूपीएसी नामकरण के लिए आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।